यार माशाल्लाह हमारी रैबिट ने बच्चे दे दिए, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। छोटे ये बच्चे हमारी रैबिट के, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माशाल्लाह आज दूसरा अंडा भी दे दिया है हमारी बत्तख ने। तो ये देख रहे हैं हमारे बकरी के बच्चे, इनका सारा दिन चारा खा खा के इनका पेट नहीं भरता, ये भुक्कड़ है भुक्कड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो यार मुर्गियों को मैंने छोड़ दिया पहले से, डक्स हमारी यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आज फिर से हम देख चेक कर लेते हैं कि आज हमारी डक ने दूसरा अंडा दिया या नहीं दिया। ये माशाल्लाह आज दूसरा अंडा भी दे दिया है हमारी बत्तख ने। तो यार हमारी बत्तख ने आज दूसरा अंडा दे दिया। मुझे नहीं पता ये बत्तख कुड़क होती है या नहीं होती, अगर होती है तो कितने अंडे देने के बाद होती है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये 8 से 10 अंडे देने के बाद कुड़क हो जाएगी, तो फिर हम इसे अंडों पर बिठाएंगे। हमारी बत्तख ने तो एक अंडा दे दिया, अब हम मुर्गियों के अंडे देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये वाली मुर्गी भी अंडा देने के इंतज़ार में है, तो पहले हम दूसरे देख लेते हैं अगर किसी और ने अंडा दिया है तो। माशाल्लाह यहाँ पे 3 अंडे पड़े हुए हैं पहले से। यार हमारी 6 मुर्गियाँ हैं, 6 की 6 मुर्गियाँ अंडे देती हैं, तो ये वाली मुर्गी भी उम्मीद है वहाँ जाके अंडा दे देगी। अब मैंने पानी इनका रात वाला गिरा दिया, तो इसके अंदर मैं ताज़ा पानी भर देता हूँ। तो यार डक्स का पानी भी मैंने भर दिया यहाँ पे पानी गिराया था, तो डक्स ये यहाँ पे पानी में खेलने लग गई थी, अब ताज़ा पानी भर दिया, अब यहाँ पे खेलेंगी। तो अब मैं फ़ौरन से अपनी बकरियों को भी चारा डाल देता हूँ। ये काफ़ी सुस्त बैठी हुई है, क्या हुआ है तुम्हें? उठो उठो, शाबाश उठो। तो ये देख ले हमारे बकरी के बच्चे, इनका सारा दिन चारा खा खा के इनका पेट नहीं भरता, ये भुक्कड़ है भुक्कड़। तो यार बकरियों को चारा मैंने डाल दिया, मुर्गियों को भी दाना डाल देते हैं, अपनी डक्स को भी दाना डालेंगे, तो फिर उसके बाद फ़ौरन से अपने तोतों का भी दाना पानी चेंज करता हूँ। तो यार अपनी डक्स को और मुर्गियों को भी चारा डाल देता हूँ थोड़ा सा। डक्स हमारे यहाँ पर पानी के पास हैं, तो यहाँ पर इनके पास ही फेंक देता हूँ, ये खा लेंगी। तो यार मुझे लग रहा है कि हमारी जो रैबिट फीमेल है उसने बच्चे दे दिए हैं, क्योंकि वो पहले काफ़ी मोटी थी, अब वो थोड़ी सी ही पतली सी हो गई है। तो अब हम पहले जाके चेक करते हैं कि उसने बच्चे दिए कि नहीं दिए। ये देखें, ये ना पहले काफ़ी मोटी थी, अब तो ये काफ़ी दुबली पतली सी हो गई है। तो यहाँ पे थैलों की बैक साइड पे है कहीं, तो वो हम देख लेते हैं। तो यार मैं इस साइड पर आया था, तो इस साइड से तो इसने पूरा अपना रास्ता जो बच्चों का देखने के लिए वो बंद कर दिया है, तो ये मकई का थैला भी फाड़ दिया है इसने, ये रास्ता तो बंद है। तो मैं ऊपर से ये वाले थैले निकाल के देखता हूँ, तो यहाँ से मैंने उठा दिया। यार माशाल्लाह हमारी रैबिट ने बच्चे दे दिए, ये देखे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे ये बच्चे हमारी रैबिट के, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार मैं अब जल्दी से इनका जो थैले मैंने हटाए हैं वो मैं फ़ौरन से वैसे ही कर देता हूँ, ताकि ये हमारी रैबिट डिस्टर्ब ना हो, तो और उसके बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। तो यार माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रैबिट ने हमारे सेटअप पे बच्चे दे दिए हैं, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 बच्चे दिए हैं हमारी रैबिट ने। तो यार मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, भाई ने बोला था कि कुछ दिनों के बाद ये बच्चे भी दे देगी, तो आज हमारे सेटअप पर तकरीबन इसे 1 हफ्ता होने वाला है, तो पूरे 1 हफ्ते के बाद हमारे सेटअप पर माशाल्लाह हमारी रैबिट ने बच्चे दे दिए हैं। हमारी डक ने भी 2 अंडे दे दिए हैं, 2 दिन 2 अंडे, और आज हमारी रैबिट ने भी बच्चे दे दिए। गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है हमें। तो यार मैं जल्दी से अपनी रैबिट के लिए थोड़ा सा चारा लेके जाता हूँ। तो यार चारा मैंने ले लिया अपनी रैबिट के लिए, यहाँ पर बैठी हुई है। सुबह मैंने डाला था, सुबह मुझे पता नहीं था इसने बच्चे दिए कि नहीं। ये लो खाओ चारा खाओ, अब मुबारक हो आपको, आपने बच्चे दे दिए हैं, पूरे 6 बच्चे दिए हैं। अभी डर रही है थोड़ा सा, सुबह मैंने चारा डाला था, मेरे पास बैठ के इसने चारा खाया, पानी भी मैंने इसके लिए रखा था, तो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इसने बच्चे दे दिए होंगे। अभी मैंने आके देखा, मैंने कहा एक नज़र देखता हूँ कि बच्चे दिए या नहीं दिए, तो माशाल्लाह हमारी रैबिट ने बच्चे दे दिए। कल रात काफ़ी ज़्यादा बादल आ गए थे, तो काफ़ी मौसम खुशगवार भी हो गया था, गर्मी हो रही थी, तो गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी कम हो गई है। तो आप देखिए अब मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी क्लियर है, कल रात बारिश भी हुई है हमारे यहाँ पे,
तो अब मैं फौरन से अपने पैरेट्स का दाना और पानी चेंज कर देता हूँ। कल रात मौसम ठंडा होने की वजह से मैंने इनके केजेस के ऊपर ये शॉपर सा चढ़ा दिया था ताकि ठंडी हवा ना इस दरवाजे के नीचे से या ऊपर से, तो ये फौरन से उतार लेता हूँ मैं। तो यार शॉपर मैंने उतार दिया दोनों केजेस के ऊपर से। तो अब हम टेलिन पैरेट्स की जो बटकियाँ हैं वो चेक कर लेते हैं, कोई और अंडा तो नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले ये इसका जो मेल है वो बाहर है, जो फीमेल है वो अंदर है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन मुझे यहाँ बाहर से नज़र आ रहा है, कैमरे में शायद नज़र ना आ रहा हो। अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह। तो यार एक साथ हमें इतनी सारी गुड न्यूज़ मिल रही है, हमारे रैबिट ने भी बच्चे दे दिए, हमारे जो बत्तख है उसने भी आज दूसरा अंडा दिया है, ऑस्ट्रेलियन पैरट इसने भी आज दूसरा अंडा दिया, जो पहला अंडा था वो तोड़ दिया था, आज इसने दूसरा अंडा दिया है इस वाली मटकी में। ये वाली मटकियाँ खाली हैं, मैंने चेक कर ली, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये मेरा ख्याल अभी मटकियों में नहीं जा रहे, तो शायद इस वजह से। ये हमारे लव बर्ड्स बड़े खुशगवार मूड में है माशाल्लाह। तो यार मैं आज अपने पैरट्स के लिए गंदम के दाने भी धो के लेके आया था, वो थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो मैंने सोचा आज इनका गंदम के दाने भी धो के लेता हूँ। जो गंदम के दाने मैंने भिगो के दिए थे वो रख दिए मैंने इनको। तो यार हमारी जो ये वाली फीमेल है ये बड़े अच्छे से ना अपने अंडे को इंक्यूबेट कर रही है। आज हमें एक साथ तीन तीन गुड न्यूज़ मिली है, हमारे रैबिट ने भी बच्चे दे दिए, हमारी जो पैरट थी उसने भी आज दूसरा अंडा दिया, हमारी ये जो डक है इसने भी आज दूसरा अंडा दिया। तो मुर्गियों के भी काफ़ी ज़्यादा अंडे जमा हो चुके हैं मेरे पास, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक असील मुर्गा और मुर्गी का पेयर लेके आएंगे, तो जब वो कुड़क होगी तो उसके नीचे हम मुर्गियों के भी अंडे रख के चिक्स निकलवाएंगे। अगर तो ये डक हमारी कुड़क हो गई तो इसके नीचे इसके ही अंडे रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।